सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो आप भी इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। तो उस फोटो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुआ है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लेना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आपको ऐसा नया नया एडिटिंग वीडियो मिलता रहेगा। एंड कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना कि आपको इस टाइप का फोटो एडिट कैसा लगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिना डर करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद इस फोटो का हम इसमें रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है, फिर रिसाइज पे क्लिक करके इसके अंदर आपको रिसाइज कर लेना है। तो रिसाइज कर लेने के बाद उसको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और आपका जो भी मॉडल है आप उसको ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा मॉडल था वो ऐड हो गया। तो इस मॉडल को मैं पहले से ही कटआउट करके रखा था। तो फ्रेंड्स, आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे बैकग्राउंड इरेज वीडियो का लिंक है, जाके देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस मॉडल को हम सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेट हो गया। फिर आपको इरेज पे क्लिक करना है, और इरेजर पे क्लिक करके उसका हार्डनेस को 0 रखना है, ठीक है, और साइज को रखना है 17। फिर आपको पैर के पास थोड़ा थोड़ा आपको इरेज कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये इरेज हो गया। फिर उसको राइट क्लिक कर देना है। फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और एक पीएनजी आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, इस वाला पीएनजी को आपको ऐड करना है, और आपको ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसको अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये एडजस्ट हो गया। फिर उसको राइट क्लिक कर देना है। फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और एक पीएनजी आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, इस वाला पीएनजी को आपको ऐड करना है, और उसको भी अच्छे से आपको सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये भी सेट हो गया। फिर उसको भी राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। और एक स्मोक पीएनजी हमको ऐड करना है। तो आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और उस पीएनजी को ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस वाला पीएनजी को आपको ऐड करना है, और उसको बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये सेट हो गया। फिर उसको भी राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और एक स्मोक पीएनजी आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, इस वाला पीएनजी को आपको ऐड करना है, और उसको भी अच्छे से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको इरेजर पे क्लिक करना है, और इरेज पे क्लिक करके आपको सिर्फ इस वाला पार्ट को आपको इरेज कर लेना है। हार्डनेस को उसको 0 रख देना है, ठीक है। फिर आपको इस वाला पार्ट को इरेज कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये इरेज हो गया। फिर उसको भी राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और एक पीएनजी आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, इस वाला पीएनजी को आपको ऐड करना है, और उसको रोटेट कर देना है, और उसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद उसका जो ब्लेंडिंग मोड है आपको रखना है स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको इरेजर पे क्लिक करना है, और इरेज पे क्लिक करके हार्डनेस को 0 रख देना है, ठीक है। और आपको सिर्फ इस वाला पार्ट को आपको इरेज कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये इरेज हो गया। फिर उसको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और एक लास्ट पेंजी जो टेक्स्ट पेंजी है हमको ऐड करना है। तो आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और उस पेंजी को ऐड कर देना है। इस वाला पेंजी को आपको ऐड करना है, और उसको लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एडजस्ट हो गया। फिर उसको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। और एक पीएनजी जो लास्ट पीएनजी है उसको ऐड करना है। तो इस वाला पीएनजी को आपको ऐड करना है, और उसको ऊपर की तरह राइट साइड में सेट कर देना है।
तो फ्रेंड्स ये सेट हो गया, फिर उसको राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है तो फ्रेंड्स पिक्सार्ट ऐप के अंदर तो हमारा एडिट हो गया, तो उस फोटो को हमको सेव करना है। तो आपको ड्रॉ टूल पे क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज में क्लिक कर देना है। ठीक है तो ये हमारा फोटो सेव हो जाएगा। तो अभी हम इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पिक्सार्ट ऐप के अंदर जो पिक हमने एडिट किए थे उसको हमको लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है तो ऐड करने के बाद आपको कलर्स पे क्लिक करना है और मिक्स पे क्लिक करके जो रेड कलर का टोन है उसको ह्यू का आपको रखना है -33 करना है और सेचुरेशन को रखना है 47। ठीक है फिर आपको ऑरेंज वाला टोन को सिलेक्ट करना है और उसका जो लुमिनेंस है आपको रखना है 38। ठीक है फिर उसको डन करना है। फिर से आपको ग्रीन वाला टोन को सिलेक्ट करना है और उसको ह्यू को रखना है 47 और सेचुरेशन को रखना है 28। ठीक है फिर उसको डन कर देना है। फिर से आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है और शार्पनिंग को रखना है 79 और मेकिंग को फुल कर देना है। ठीक है और नॉइज को रखना है 39, फिर उसको भी डन करना है। फिर से आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और टेक्सचर को रखना है 2 और आपको क्लैरिटी को रखना है 4। ठीक है और बिगनेट को रखना है -25, फिर उसको भी डन कर देना है। तो फ्रेंड्स लाइटरूम ऐप के अंदर तो हमारा कलर मैच हो गया। तो उस फोटो को हम शेयर करते हैं स्नैपचैट ऐप के अंदर। ठीक है तो आपको शेयर पे क्लिक करना है और आपको शेयर टू स्नैपचैट ऐप के अंदर ऐड कर लाना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा फोटो स्नैपचैट ऐप के अंदर ऐड हो गया, तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है और डिटेल्स पे क्लिक करके जो स्ट्रक्चर है आपको रखना है 82 और शार्पनिंग को रखना है 63। ठीक है फिर उसको डन करना है। फिर आपको इस वाला आइकन को सिलेक्ट करना है और व्यू एडिट्स पे क्लिक करके डिटेल्स पे क्लिक करना और ब्रश वाला आइकन को सिलेक्ट करना है। ठीक है और उसको इनेबल करना है और आपको सिर्फ फेस के ऊपर और हाथ के पास इरेज कर लेना है। ठीक है तो फ्रेंड्स ये इरेज हो गया, फिर उसको राइट क्लिक कर देना है। ठीक है तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा फोटो एडिट था तो कंप्लीट हो गया। तो इस फोटो को हमको सेव करना है, तो आपको डन पे क्लिक करना है तो ये हमारा फोटो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का एडिट बस इतना ही था। तो आपको इस टाइप का फोटो एडिट कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।